देश के अन्य स्थानों की तरह मध्य प्रदेश में भी मानवता को शर्मसार करने की वारदातें करने से दरिंदे बाज नहीं आ रहे। सख्त सजा के कानून का उन पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। मामला ऐसा ही एक मामला सामने आया है दतिया थरेड का। थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक ने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य को अंजाम दिया। VO 32। मिली जानकारी के अनुसार बालिका के परिजन अपने रिश्तेदार ग्राम थरेट निवासी कालीचरण जाटव के यहाँ शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। सुबह लगभग 4 बजे वरमाला कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान आरोपी युवक मोतीलाल अहिरवार मासूम बच्ची को बहला फुसला कर समीप के हाई स्कूल परिसर में ले गया। जब बच्ची के परिजनों को बच्ची दिखाई नहीं दी तो वह ढूंढते हुए स्कूल परिसर तक जा पहुंचे। इसी बीच उन्हें बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जहां आरोपी स्कूल के बाथरूम में बच्ची के साथ अनाचार कर रहा था। परिजनों ने मौके पर ही आरोपी को दर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। दतिया से नवल यादव की रिपोर्ट। बालिका और उसके परिजन वहीं पर थे। सुबह 4 बजे की बात है, शादी में स्टेज का कार्यक्रम चल रहा था जयमाला का, तो उस समय परिजन उसी में व्यस्त थे। और कुछ समय बाद परिजनों को पता चला कि उनकी बच्ची 6 साल की नहीं है, तो उसको ढूंढा और ढूंढते वो लोग शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल थरेट में बने परिसर में पहुँचे, जहाँ पर उनको बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्लाने के बाद वो परिसर